हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियलम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने 1 मिनट 1 कंसेप्ट का क्वेश्चन लेके आई हूँ। रेगुलरली मैं आपके सामने ये सुबह 9 बजे लेके आती हूँ। अगर आपने आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार व्यूअर हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक का जरूर बटन जरूर दबाएगा, क्योंकि आपको केवल दो से तीन मिनट के अंदर आपको मैं 2 नए क्वेश्चन दिखाया करूँगी। रेगुलरली सुबह 9 बजे मैं आती हूँ आपको 2 क्वेश्चन सिखाने के लिए और बिल्कुल नए कंसेप्ट के। तो आज का अपना पहला सवाल देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। एक वस्तु को 12% पर बेचा गया है, 12% लाभ पे, मतलब 100 रुपए की चीज को बेचा गया है 112 रुपए पे। यदि क्रय मूल 10% कम होता, मतलब 100 रुपए की चीज अगर 90 में खरीदी होती तो, और विक्रय मूल 5.75 अधिक होता, मतलब यहाँ पे अधिक होता, तो इसे 30% का लाभ होता। कितने का होता? 30% का। निकालिए इसका 30% कितना हो जाएगा, 9 × 30/100 कितना हो गया, 130, सॉरी 30% का लाभ का मतलब 130 हो गया, तो कितना हो गया आपका 117 रुपये। ठीक है, तो क्या है, पहले उसको इतना लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 117 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब फर्क कितना आया, 5 रुपये का। पैसे में बोला जा रहा है फर्क कितना है, 5.75 का फर्क है, ये फर्क 5 नहीं 5.75 का फर्क है। कितने गुणा पे है ये, 1.15 के गुणा पे है। ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया कि ये फर्क 5 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का नहीं, कितने का गुणे पे है, 1.15 गुणे पे है। तो इसमें भी सीपी कितना हो गया आपका, सीपी हो गया 100 × 1.15, मतलब 115 रुपए। अब सवाल में क्या बोल रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए वो कितने बेचे। सीपी हमारा ये 115 पे अगर उसे 20% का लाभ कमाता है तो 120/100, तो कितना हो जाएगा आपका, 138 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 138 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सवाल कैसे हुआ, कुछ भी नहीं था सवाल में, केवल जितना बोला जा रहा है उतना करते जाओ। पहले 12% का लाभ करो, फिर 10% कम करो, फिर 30% का लाभ करो, फिर अगर 20 का चाहिए तो कितना करना पड़ेगा वो करना है। ये इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते भी एक रिंग मेथड बोलते हैं। रिंग मेथड से आपका एक सवाल फिक्स आता है, फिक्स है, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो एक सवाल आपका रिंग मेथड जरूर आएगा। क्लियर है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हमारा ये रहा। अगले सवाल में देखिएगा, हमें निकालना ये है आपका मिसिंग नंबर का सवाल। किसका है, मिसिंग नंबर है, किसमें आता है, रीजनिंग में एक सवाल यहाँ से आता है, एक सवाल फिक्स यहाँ से आता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, हमें कोई भी लॉजिक निकाल के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपका इस टाइप से कोई सवाल दे रखा हो तो आपको क्या करना चाहिए, पहले बात ध्यान रखना, आपको कुछ ऐसा करना है इन चारों ओर की बीच की वैल्यू आ जाए, कुछ ऐसा करना है, चाहे प्लस का, चाहे मल्टीप्लाई का, डिवाइड कर। पर देखो क्या हुआ, 6 × 5 कितना हुआ आपका, 6 × 30 हो गया इनका मल्टीप्लाई, 7 × 9 कितना हुआ, 63 हो गया, प्लस करा 93 हो गया, वैल्यू आ गई हमारी सेम ऐसी, 6 × 5 = 30 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, प्लस किया 65 हो गया, ये आ गई अपनी वैल्यू। फिर नेक्स्ट करेंगे 3 × x किया, प्लस का 6 × 5 किया, इस 63 आना चाहिए था, तो 3x = 63 माइनस का 33 किसके बराबर है, 3x के, तो x की वैल्यू हो गई 11, कितनी हो जाएगी, 11x की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया सवाल आपको, समझ में आया कैसे करना है। तो हमें कुछ भी करके बीच की वैल्यू लेके आनी होती है, चाहे प्लस कर, चाहे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर, सोता प्लस करना पड़े सबको, हो सकता है ऐसा कुछ लॉजिक होता सबको प्लस करना पड़े, वो हमें देखना पड़ेगा कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। ये केवल आपको प्रैक्टिस समझ में आए कौन से सवाल में क्या लग सकता है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली हम इस टाइप की वीडियो सुबह 9 बजे, टाइम मत भूलिएगा, टाइम नहीं भूलना है किसी को भी, सुबह 9 बजे रेगुलरली प्रियल मैम रीजनिंग पे हम लेके आते हैं ये क्लास अपनी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय, टेक केयर।